सभी बहनों ने दो चीजें कही हैं। सबसे पहले ये कहा है कि शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, उनका न वेतन बढ़ाया जा रहा है, न मानदेय बढ़ाया जा रहा है, न नियमितीकरण हो रहा है, और जब वे अपना हक मांगती हैं, तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनका की सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी वो पूछा तक नहीं, आप सशक्त कैसे होंगी पूछा नहीं, आपकी शिक्षा कैसे कंप्लीट होगी वो नहीं पूछा, आपका सशक्तिकरण, आपके लिए रोजगार कहां से पैदा करेंगे, कुछ नहीं किया। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही गैस सिलेंडर देने से आप सब उनको वोट दे देंगे। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती, आपकी भलाई की बात नहीं होती। योजनाएं, स्कीम, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कभी जमीन पर बनाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है।